हेलो स्टूडेंट्स, अब ये है पार्ट फोर ऑफ टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तीन पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। इसमें मैं लूंगी क्लास थ्री एंड फोर ऑफ फाइलम मोलस्का। सो लेट्स बिगिन। क्लास थ्री है स्कैफोपोडा और आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, जो आपका जाना पहचाना सा होगा, ये कहलाता है डेंटेलियम। डेंटेलियम एक तरह से ये जो हाथी का दांत होता है उस तरह की शेप होती है इसमें, इसीलिए इसका नाम डेंटेलियम रखा गया है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नली जो ए पार्ट है वो तो इसका फुल व्यू है कि बाहर से ये कैसा दिखाई देता है। बी पार्ट में इसका डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये जो अंदर के जो सारे स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर तो होती है डोर्सल शेल ओपनिंग, ये जो बिल्कुल दांत के आकार का स्ट्रक्चर है ये शेल है इसका, और इसके अंदर जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडीड। मोलस्का का ये मेन फीचर होता है कि इसमें ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और शेल से कवर्ड होते हैं, और बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि शेल से बचाने के लिए ये बॉडी और शेल के बीच में मेंटल इनमें पाया जाता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है शेल से। अंदर अगर अपन देखें तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाई दे रहा है, नेफ्रिडियम है, फिर स्टमक है, स्टमक के बाद स्टमक के बाद एनस दिखाई दे रही है, और जो विसरा में जो ऑर्गन्स हैं वो है गोनड, प्लूरल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन, और मेंटल कैविटी, वेंट्रल शेल ओपनिंग, पीडल गैंग्लियन, कैप्टाक्यूला, माउथ और फुट। तो माउथ जो है वो नीचे प्रेजेंट है। माउथ जो होता है वो स्टमक में लीड करता है। डॉटेड लाइंस में आपको दिख रहा होगा कि स्टमक है अंदर जाके, माउथ नीचे वेंट्रल साइड जो शेल है, शेल की वेंट्रल साइड, वहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट है, और फिर वो स्टमक में लीड कर रहा है, और स्टमक फिर ओपन हो रहा है एनस में, जिसमें जो कि पीछे की तरफ जाते हुए करंट के साथ जो एनस में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पीछे की तरफ निकल जाता है। फुट दिखाई दे रहा है आपको, मस्कुलर फुट। फुट की बहुत अहमियत होती है मोलस्का में और हर एक एनिमल में। ये बहुत मोटे साइज का काफी जगह घेरता हुआ ऑर्गन होता है। तो ये तो हो गया, एनिमल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो अब इसके फीचर्स भी अपन पढ़ लेते हैं स्कैफोपोडा के। जो स्कैफोपोडा क्लास है इसमें केवल एक ही एनिमल ये डेंटेलियम पाया जाता है। तो अगर अपन इस डेंटेलियम के फीचर्स कर लेंगे तो वो हो जाएंगे क्लास स्कैफोपोडा के फीचर्स। अब स्कैफा का मतलब होता है बोट और पोडोस का मतलब होता है फुट। तो ये जैसे फुट जो निकल रहा है वो शेल के बाहर, तो वो इस तरह का आभास देता है कि ये जो बोट जो शेप है फुट की वो बोट नुमा शेप है। नीचे आप देखिए बी बी सेक्शन में आपको फुट दिखाई दे रहा है, तो ये बोट शेप फुट जो होता है डेंटेलियम जैसे अपराइट रहता है, तो ये फुट के फुट उसका बैलेंस बना के रखता है। तो ये बोट शेप फुट है इसमें। इसका जो शेल और मेंटल है ये बिल्कुल लंबे पतले होते हैं और थोड़े से कर्व्ड होते हैं और दोनों तरफ खुले हुए होते हैं। ये तो मैंने आपको अभी डिटेल स्ट्रक्चर बताया था। वेंट्रल साइड से पानी अंदर घुसता है और वाटर करंट जो होता है वो फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। फुट इनका रिड्यूस्ड होता है, कॉनिकल होता है और वेल अडेप्टेड फॉर बरोइंग, मतलब मिट्टी में धसने में बहुत आसानी रहती है। इस तरह का शेप होता है फुट का। जो रेड्यूला है वो भी प्रेजेंट होता है इनमें। माउथ है, माउथ में रेड्यूला प्रेजेंट होता है। माउथ सराउंडेड बाय डेलिकेट टेंटिकल्स, इसमें टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कैप्टाक्यूला जो है वो काइंड ऑफ ये इसके टेंटिकल्स हैं, और गिल्स और आईज इसमें एब्सेंट है, और हार्ट रूडिमेंट्री है,
रूडिमेंट्री का मतलब नाम का प्रेजेंट होता है, ज्यादा उसका कुछ ज्यादा काम कुछ हो नहीं पाता हार्ट से, तो ये रूडिमेंट्री है। एक्सक्रीशन बाय टू सिमेट्रिकल किडनीज, इनमें जो नेफ्रिडियम दिखा रखा है वो है, और सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं और डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इसका जो साधारण नाम है वो होता है टस्क शेल, ये हाथी दांत की तरह दिखाई देता है इसलिए इसका साधारण नाम होता है टस्क शेल। और मैंने बताया था डेवलपमेंट इसमें जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा होता है इनमें प्रेजेंट, और जो लार्वा है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो इस तरह से ये डेंटेलियम के कैरेक्टर्स हैं। तो ये बहुत ही इजी आपको पढ़ेंगे यदि आप डेंटेलियम का डायग्राम ध्यान में रख लेंगे, याद यदि वो आपको याद होगा तो आप इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स तुरंत लिख पाएंगे। तो ये हो गई एक क्लास कैफोपोडा। नेक्स्ट हम आते हैं क्लास नंबर 4, और ये है गैस्ट्रोपोडा, और इसका एग्जाम्पल है पायला। पायला का ये आपको आउटर व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें जो शेल है ये, इस शेल का अपेक्स दिखाई दे रहा है, बॉडी वॉल दिखाई दे रहा है, बॉडी वॉल जो वो वाला वॉल जिसमें पूरी बॉडी समाहित होती है। वैसे इसमें जो शेल के नंबर होते हैं, वॉल के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2.5, 2.5। तो जो मेन ये बॉडी वॉल है ये एक है, इसके ऊपर एक और है, और सबसे ऊपर आधा, तो 2.5 वॉल्स होते हैं इसमें ऐसा कहा जाता है। और जो बॉडी वॉल है उसमें आपके शेल के ऊपर आपको लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई दे रही हैं जो वेरिसेस कहलाती हैं। सारी लाइंस को देख वो एक साथ बोलें तो प्लूरल होगा वेरिसेस, और एक ही लाइन कहलाती है वेरिक्स। और इसके अंदर शेल के अंदर ठीक अंदर पाया जाता है मेंटल, और जो ये आपको तिकोना सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऑपरक्यूलम जिसको लिखा हुआ है, ऑपरक्यूलम ये एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर है जिससे कि एनिमल का फुट लगा हुआ होता है, और फुट के मूवमेंट से ये बंद हो जाता है, और जब एनिमल चाहे तब ये फुट के मूवमेंट से ही खुल जाता है और फुट बाहर निकल सकता है। और फुट के साथ फुट के ऊपर ही इसकी जो बॉडी का एक अजीब अरेंजमेंट होता है, इसमें टॉर्शन पाया जाता है, तो जो बॉडी का हेड होता है जैसे अपना, तो हेड एक साइड और फुट दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है दोनों 180 डिग्री। इनके जो हेड और फुट होता है वो फुट के ऊपर आके हेड लाई हो जाता है, जो बॉडी है वो कर्व होके बेंड होके फुट जो हेड है वो फुट के ऊपर आके सिचुएट हो जाता है। तो और इसका फायदा ये है कि जैसे अगर ये ऑपरकुलम खुलेगा तो दोनों चीजें हेड और फुट एक साथ बाहर आ सकते हैं, तो जब ये खुला रहता है तब फुट मूवमेंट का काम करता है और हेड सारे सेंसेस को पहचान सकता है और खाना भी खा सकता है, तो इस तरह से ये काम करता है। जो पेरिस्टोम है ये जो ऑपरकुलम है उसकी उसका परिधि पे ये लाइन प्रेजेंट होती है जो कहलाती है पेरिस्टोम। और ये जो ऑपरकुलम है इसके दो लिप्स होते हैं, एक लिप बाहर वाला जो आउटर लिप लिखा हुआ है इसमें, और एक जो एनिमल की तरफ है अंदर वाला ये कहलाता है इनर लिप। तो इस तरह से ये एनिमल है। इसका जनरल अगर आपको मेकअप पता है फिर वही बात है कि गैस्ट्रोपोडा में केवल यही एनिमल अपन करेंगे पहला। वैसे तो जो गैस्ट्रोपोडा है वो आपको जैसे डिवीजन इसमें बता रखा है, इसमें गैस्ट्रोपोडा में ये तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है, प्रोसोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया और पल्मोनेटा। और फिर जो प्रोसोब्रैंकिया है उसमें भी तीन ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनेटा में दो ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं और ओपिस्थोब्रैंकिया में 12 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से एक में पाया जाता है पायला। तो हमें जैसा मैं बार बार कह रही हूँ हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, जो ये पायला है ये प्रेजेंट होता है सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया में। सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया के ऑर्डर मीजो गैस्ट्रैंकिया में, जो ऑर्डर मीजो गैस्ट्रैंकिया में दो एनिमल्स होते हैं पायला और साइप्रिया। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो पायला का,
और जो जनरल कैरेक्टर्स हैं गैस्ट्रोपोडा के वो पहला के आधार पर ही आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा का फुल फॉर्म है स्टमक, गैस्ट्रोस का मतलब स्टमक और पोडोस का मतलब फुट। इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, कॉइल्ड होती है और एक यूनिवेल शेल में बंद होती है। जो ये शेल होता है ये यूनिवेल है, यूनिवेल का मतलब इसमें कोई हिंज नहीं है। जैसे आप यूनियो का शेल यदि देखेंगे तो उसमें दो कपार्ट होते हैं और वो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, मस्कुलर जो मसल्स होती हैं एनिमल की उससे जुड़े हुए रहते हैं। बाकी अगर वो मसल्स डीके हो जाएं तो वो दोनों शेल अलग हो जाते हैं, तो वो बाईवेल्व शेल होता है, शेल होता है। ये जो शेल है ये ऐसा नहीं है, अगर एनिमल यदि ख़त्म भी हो जाए तो जो शेल होता है वो बिल्कुल ये ऐसे शेप अपनी बरकरार रखता है और इसमें ये पूरा यूनिवेल्व शेल होता है। इनमें एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है, मैंने बताया ना ऑपरकुलम जब खुलेगा तो फुट जब बाहर आता है तो उसके साथ साथ उसके ऊपर सिचुएटेड हेड भी बाहर आ सकता है, तो इसमें हेड प्रेजेंट होता है, बहुत क्लियर हेड बना हुआ होता है जिसमें आईज लगी हुई होती हैं और टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं। और इसका जो फुट होता है वो वेंट्रल होता है, डिस्क शेप्ड होता है और इसमें एक हार्ड ऑपरकुलम लगा हुआ होता है। इनकी इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है और बहुत अच्छा रेडुला प्रेजेंट होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और हार्ट पेरिकार्डियम में एनक्लोज होता है। इनका विसरल मास जो है वो टॉर्शन एग्जिबिट करता है, जो मैंने आपको समझाया उसी वजह से जो हेड है वो ठीक फुट के ऊपर आके सिचुएट हो जाता है। मेंटल फॉर्म्स जो होते हैं, मेंटल जो होता है वो पूरी पेलियल कैविटी को एनक्लोज करता है, ये कंटिन्यूस फोल्ड की तरह होता है और पेलियल कैविटी पूरी जो होती है उसको बांधे हुए होता है। इनका रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, लंग से भी होता है और दोनों से भी हो सकता है। और कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स वो जनरल इंटेगमेंट से भी रेस्पायर करते हैं, जनरल इनके इंटेगमेंट से भी उनकी गैशियस एक्सचेंज होती रहती है। इनमें एक्सक्रीशन किडनी से होता है और सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल फाइल अलग होता है, फीमेल फाइल अलग होता है और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब जो लार्वल फॉर्म है वो इनमें पाया जाता है और इनका जो लार्वल फॉर्म होता है वो ट्रोकोफोर भी हो सकता है और वेलिजर भी हो सकता है। ये एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। पायला तो आपको पता ही है कि ये जल पे में भी पाया जाता है और थल पे भी पाया जाता है। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पटेला, पायला, हेलिक्स और स्लग, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। बाकी जो टेबुलर फॉर्म है उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें दे रखे हैं, जो ई एक्स जिनके सामने लिखा है वो सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं गैस्ट्रोपोडा के लिए। तो ये ख़त्म होती है क्लास फोर और इसी के साथ ये लेक्चर। सो थैंक यू।